वेलकम बैक टू माय चैनल कैरी ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आप किस तरह से आप मोटिवेटेड रह सकते हैं और अपने सेल्फ स्टडी और अपना जो स्टडी पैटर्न है उसका बेहतर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड है जो आपको लाइफ में हर समय मोटिवेटेड रखता है और आपको ये फॉलो करना चाहिए। यानी कि आपका जो भी टाइम टेबल है, कोई भी चीज़ हो, या फिर स्टडी में हो या फिर जॉब लाइफ में हो, ये कंसिस्टेंसी हर जगह ज़रूरत है। आप अपने टाइम टेबल के साथ कितना कंसिस्टेंट है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कितना कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ है लाइक पढ़ाई है तो उसमें आप कितना रिविज़न कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ है आप उसको अच्छे से करो और एक इंटरवल में रिवाइज करो चीज़ों को कंसिस्टेंटली, तो आपको ये बेहतर होगा आपके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में कि आपका यह टाइम टेबल एक इतना भी लीनियंट होना चाहिए और इतना भी टफ नहीं होना चाहिए कि आप इसे फॉलो ना कर पाए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इस टाइम टेबल में। और आप अपने आप को आप बेहतर समझते हैं तो आपको पता है कि आप किस समय पर पढ़ते हैं, अच्छा से पढ़ पाते हैं, आपका कंसिस्टेंसी यानी कि कंसिडरेशन ऑफ योर माइंड कितना बेहतर है किस टाइम पे, उस हिसाब से आप टाइम टेबल बना सकते हैं। और अब बात करते हैं कि सिटिंग पैटर्न और आपका क्या पैटर्न होना चाहिए स्टडी करते समय। तो सबसे पहले आपको टेबल कुर्सी यूज करना चाहिए, क्योंकि देखो यार, बेड पे बैठने से नींद आता है और लेथार्जिक फील होता है, पढ़ते पढ़ते सो भी जाते हैं कितने लोग। इसलिए हमेशा आपको टेबल कुर्सी का यूज करना चाहिए पढ़ाई करते समय, क्योंकि क्या है कि देखो, एग्ज़ाम के समय भी टेबल कुर्सी या फिर बेंच डेस्क में ही तुम्हें एग्ज़ाम देना है, और स्कूल टाइम से भी हम लोग बेंच डेस्क का यूज करते हैं। तो यार, जब हम टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हैं तो एक माइंडसेट होता है कि हाँ, पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं इस तरह से, तो टेबल कुर्सी का यूज करो। ये तो एक हो गया सिटिंग पैटर्न। और इसके अलावा जो भी चीज़ है लाइक पॉजिटिव वाइब्स लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी निगेटिव लोग हैं तुम्हारे, कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो सकता है, जो तुम्हें बार बार दूसरों का एग्जाम्पल दे करके तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे या फिर तुम्हें बोलेंगे कि ये मोटिवेशन है लेकिन एक्चुअली तुम्हारे लिए वो निगेटिव वाइब्स है, तो उनसे दूर रहा करो और उनसे बचा रहा करो। और सेल्फ मोटिवेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो जो भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन है लाइक देख, मोटिवेशन दो तरह का है, एक विच कम्स फ्रॉम इनसाइड और जो तुम एक बाहर से लेते हो, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव वाइब्स को दूर रखना है अपने आप से। और फॉर एग्जांपल टेक्निकल थिंग्स लाइक मोबाइल, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स अगर तुम इसे ज़्यादा यूज करते हो। तो यार, मोबाइल का यूज कम किया करो। और इससे क्या है कि तुम्हारा टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि तुम जैसे ही किसी भी चीज़ को खोलते हो लाइक सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी है, एक घंटा दो घंटा कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए यार, मोबाइल फ़ोन का यूज उतना ही करो जितना तुम्हें ज़रूरत हो। तो फ़ोन का यूज उतना ही करो जितना लिमिट हो। अगर तुम्हारा क्लास ऑनलाइन चल रहा है तो उस वक्त यूज करो, और ज़्यादा कोशिश करो कि पढ़ाई करते वक्त, सेल्फ स्टडी करते वक्त तुम्हारा मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट करके भी रख सकते हो, लेकिन मोबाइल मस्ट नॉट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर स्टडी। तो ये एक पॉइंट है। तो यार, पहले भी मैंने जैसे बात कर रखा है अभी किया थोड़ी देर पहले, कंसिस्टेंसी विथ योर टाइम टेबल। तो टाइम टेबल के प्रति तुम मोर डिवोटेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तुम उसके प्रति डिवोटेड नहीं होगे तो फिर उसको फॉलो भी नहीं कर पाओगे। कुछ हुआ यार, मान लो कि किसी ने कॉल किया, चले गए घूमने, कोई रिलेटिव के यहाँ चले गए, कोई फंक्शन है, पार्टी है, शादी है, कुछ भी है, तो इन सभी चीज़ से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो स्टडी टाइम के समय। और एग्ज़ाम टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स से काम भरी बात करो। देखो, फ्रेंड्स क्या है, कॉलेज लाइफ के बाद यानी कॉलेज लाइफ में जब तुम एग्ज़ाम दे दोगे उसके बाद तो तुम्हें और पूरा ज़िंदगी भर दोस्ती निभाने के लिए टाइम है। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स नहीं बनाओ, फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ एंड इट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। फ्रेंडशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन तुम्हारा फ्रेंडशिप सही सर्कल होना चाहिए। फ्रेंडशिप का एक सर्कल होता है बहुत लोगों का, जिसमें यार गपशप मार रहे हैं, बैठ के इधर उधर घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि तुम एक ऐसा ग्रुप बनाओ, पढ़ने वाले का ग्रुप होना चाहिए, या फिर मतलब कि एग्ज़ाम के समय GD यानी ग्रुप डिस्कशन करो चीज़ों का, जो भी तुम्हारा सिलेबस है,
और ज़्यादा कोशिश करो कि सेल्फ स्टडी ही करो, क्योंकि फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाता है, जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस किया था। फ्रेंडशिप के बारे में यार, तुम्हारा फ्रेंडशिप का जो सर्कल है वैसा होना चाहिए कि हमेशा वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आए, निगेटिव नहीं आए, कोई भी एक दूसरे को डिमोटिवेट ना करे और सब एक दूसरे का हेल्प करे, यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र से ही, यानी कि जो भी चीज़ है तुम बात करो, जो भी तुम्हारा टॉपिक को बात करने का वो पढ़ाई से रिलेटेड हो। तुम लोगों ने देखा होगा यार टॉपर्स का इंटरव्यू, या फिर वो लोग जिस तरह से बताते हैं, मैंने भी ऐसा ही किया था। फ्रेंड सर्कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो सैनिटाइज होना चाहिए एक तरह से, यानी कि उसमें जो भी बातें हो रही है बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए, किसी भी एक दूसरे का बुराई या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव ग्रुप होना चाहिए तुम्हारा, जहाँ पर पढ़ाई का बात हो। और अगर तुम्हारा ग्रुप ऐसा नहीं है तो फिर फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, उससे तुम बाहर निकल जाओ और अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। लेकिन अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है तो तुम इंजॉय करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हो, घूमते हुए टहलते हुए, मेज में हो, कहीं पे भी पढ़ाई का बात चल रहा है, मार्केट में हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन ये तुम्हें अच्छा से पता है कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो और जो भी तुम्हारा फ्रेंड्स है, लाइक अगर वो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करता है, कुछ लोग है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें कर रहा है हर समय, या फिर मीम्स हो गया, या फिर कुछ भी एनीथिंग विच इज डिस्ट्रैक्टिंग यू एंड योर फ्रेंड्स, तो तुम उनसे दूर रहा करो और अपने दोस्त को भी समझाओ कि यार ये सब चीज़ अभी सही नहीं है, एटलीस्ट एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसके लिए तुमको प्रिपेयर करना है। तो अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई भी बैड एलिमेंट है तो उनसे दूर रहा करो और अपने पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया करो, इधर उधर की बातों में नहीं रहा करो और सोशल मीडिया से दूर ही रहा करो। मेरे हिसाब से अभी एग्जाम के टाइम पे तो एटलीस्ट उनको डीएक्टिवेट करके रखो, और एग्जाम के बाद यार बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें ये सब करने के लिए। कॉलेज लाइफ, कॉलेज में जाओगे तो फिर वहाँ का लाइफ एक अलग ही है, फ्रेंड्स और बहुत सारे नए नए दोस्त मिलेंगे तुम्हें, सब कुछ होगा, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी के लिए एक तरह से तुम तपस्या करो और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, उसके बाद तो यार पूरा ज़िंदगी है तुम्हारे लिए इन्जॉय करने के लिए। तो यार इतना ही था आज का वीडियो, और देखो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस, सो ऑलवेज स्ट्राइव फॉर हैप्पीनेस, एंड इसी के लिए सक्सेस का भी यही मेन जो कि मोटो है, हैप्पीनेस इज द मेन मोटो ऑफ द सक्सेस। तो अपने फ्रेंड्स से जो भी इस तरह का है उनको भी इस तरह से मोटिवेट करो और सेल्फ मोटिवेटेड रहो, और बेस्ट ऑफ लक ऑल फॉर योर एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग। और नए हो तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अगर तुम्हें इस पसंद आता है तो, और बेल आइकन को दबाओ फॉर न्यू वीडियोस फ्रॉम आवर चैनल।